और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर लगे गैंगस्टर एक्ट के केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि अजय राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया है नोटिस और 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल अजय राय ने अपने खिलाफ लगे गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज के खिलाफ दाखिल की गई अजय राय की याचिका को खारिज कर दिया है। एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं अजय राय को लगा है। हाईकोर्ट ने अजय राय के खिलाफ दर्ज 24 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस के आधार पर उन्हें कोर्ट से कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। सुशील हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील देखिए, बड़ा झटका आप कह सकते हैं अजय राय को लगा है, ये पूरी खबर और कोर्ट ने क्या बोला है अजय राय को, विस्तार से बताइए। देखिए, मामला 2010 का है जब अजय राय पर एक मारपीट के दौरान उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था और उसी गैंगस्टर एक्ट को हटवाने के लिए अजय राय ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि इस पूरे मामले में ट्रायल कंप्लीट हो गया है और ऐसे में उनके खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट है वो हटाया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आपके खिलाफ जो अपराध है वो 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लिहाजा इस याचिका पर कोई सुनवाई का औचित्य नहीं बनता है और इसी पूरे फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, लेकिन उनके खिलाफ जो निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ट्रायल चलता रहेगा। लेकिन यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है जिस पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। ऐसे में सीधे तौर पर अजय राय जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि उनके खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा है उस पर तब तक रोक लग जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। जी,